एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी खवातीन के लिए, लेडीज लग रहा है क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत हल्का सा है। यहाँ पे मोबाइल्स, लैपटॉप, एक्सेसरीज जो कि आपको नेस्टो के अंदर, पांडा के अंदर, लूलू के अंदर, ये शान का यहाँ पे सीख कबाब का मसाला 6 रियाल का है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका फहद महमूद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको रियाद का एक मॉल दिखाएंगे जहाँ पे देखते हैं क्या क्या मौजूद है, उनके क्या क्या प्राइस हैं और किस लोकेशन पे ये वाकई है, क्योंकि अभी नया ही बिल्कुल खुला है। तो चलें आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं ये आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पर कहाँ खड़ा हुआ हूँ अभी और ये कौन सा मॉल है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हाइपर वफा मॉल, और देखते हैं अंदर कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं और किस प्राइस में यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको इसकी पार्किंग दिखाएंगे, क्योंकि पार्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे पार्किंग की क्या कंडीशन है, पार्किंग गाड़ी। कुछ मॉल ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है। सारी पार्किंग है, ठीक है, और इवन के यहाँ भी सारी ये खाली पड़ी हुई है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये पार्किंग भी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर भी इनकी रूफ पार्किंग मौजूद है। मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी समझा दूँ कि ये अगर मेरे आप यहाँ देख सकें तो बेसिकली ये जो मेन शाहरा चल रही है वहाँ पे, ये है अलखरज रोड, क्योंकि रियाद की मेन शाहरा है, ठीक है। और ये जो रोड जा रहा है ये सीधा मलस को जा रहा है और हारा को जा रहा है, ठीक है। और अगर आप सीधे देखेंगे ये रोड कहाँ जा रहा है, तो ये रोड सुलई की तरफ जा रहा है, नादे के इशारे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हूँ। मैं अभी एग्जिट 16 पे खड़ा हुआ हूँ और ये मेन एग्जिट 16 पे वाकई है। सर, जैसे ही यहाँ पे आप इंटर होने के लिए आएंगे तो यहाँ पे ट्रॉलियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि आप ट्रॉली लेके फिर अंदर चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी मौजूद है, अगर आपको यहाँ पे वेटिंग कर रहा है टैक्सी का या किसी और चीज़ का, तो यहाँ पे बैठ के भी वो वेट कर सकता है। ठीक है, अंदर भी यहाँ पे जो है ना बस्केट और ये ट्रॉली सारी मौजूद है, अंदर से भी आप ये दे सकते हैं। और ये इसकी एंट्री, जैसे मैं यहाँ से एंटर होता हूँ तो मेरे राइट साइड पे आप जो है जेंट्स के यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं, और इस जो बराबर में है यहाँ पे लेडीज स्टफ। तो आपको थोड़ा दिखाते हैं कि यहाँ जेंट्स के कपड़े कैसे मौजूद हैं और क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस है। सर, ये जो है ये शर्टों का सेक्शन एरिया है। बेसिकली स्टफ तो बहुत ही कमाल का है, और प्राइस अगर देखे जाएँ तो 49 रियाल की शर्ट है, और बहुत ही कमाल का स्टफ है अगर स्टफ की बात की जाए, ठीक है। ये शर्टों का एरिया है यहाँ पे, और ये हैं बाकी चीज। जो सेक्शन है यहाँ पे, ये सारी जीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। और जीन्सें भी मतलब फाइन है, अच्छी हैं, देखी जा सकती हैं यहाँ पे जीन्सें। और अगर प्राइस की बात की जाए तो 79 रियाल सी एक मैंने देखी यहाँ पे, बड़ा बेहतरीन स्टफ है और अच्छे कपड़े हैं वैसे। ये जो एरिया है ये लेडीज का एरिया है, सारा का सारा लेडीज के कपड़े सारे यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमारी खवातीन भी चेक कर सकती हैं। ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी खवातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। सारा मेकअप यहाँ मौजूद है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपको ग्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे पर्स मौजूद हैं भी। थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि यहाँ पे वॉच की क्या प्राइस, जैसे कि अब ये वॉच है यहाँ पे है 19 रियाल की, ठीक है। और ये 17 रियाल की है, और बहुत ही अच्छा स्टफ है और बहुत ही ज़बरदस्त वॉचेज हैं, जो कि मुनासिब पैसे में यहाँ मिल जाती हैं आपको। और ये वॉल क्लॉक है सारी की सारी। ये एरिया मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये बच्चों के ग्लासेस हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये सारे बच्चों के ग्लासेस हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े शौक से पहनते हैं। 10 रियाल, ये 10 रियाल के पड़ते हैं इसके यहाँ। अच्छा भाई, ये हमारे मर्द हजरात के लिए सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है, और जो हम बहुत शौक से यहाँ पे जो है घुस जाते हैं बस, ये हैं मर्दों के जेंट्स के शूज़। और मैं आपको प्राइस ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, और आप यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे आपकी क्वालिटी और प्राइस के अंदर शूज़ है कि नहीं है। तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे शूज़ दिखा है, आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा शूज़ लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत हल्का सा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 69 रियाल का है, ठीक है। 69 रियाल हमारे इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेशी भाई इसको कन्वर्ट कर लें कि यहाँ पे कितने के शूज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो सारा स्टफ लगा हुआ है,
सारे जो शूज लगे हैं वो 69 रियाल के। ये वाला शूज आपको दिखाऊं तो ये वाला शूज भी बहुत जबरदस्त है, बहुत हल्का सा शूज है और ओनली 69 रियाल। अच्छा, इसी के साथ ही यहाँ पे बच्चों के शूज भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 8 साल तक के बच्चों के यहाँ पे शूज मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे एरिया है जो हजरात ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए बैग्स मौजूद है यहाँ पे, और आप बैग देख सकते हैं इवन के यहाँ पे आपको आपके लैपटॉप के आपके सारे बैग मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये ट्रैवलिंग वाले बैग्स हैं लगेज। और अगर आपको मैं प्राइसिंग बताऊँ यहाँ पे तो तकरीबन ये बैग 129 का है, ठीक है, ये 149 का है और ये 189 का है। ये अच्छा, इस एरिया के साथ यहाँ पे जो एरिया है ये सारा ब्लैंकेट्स का एरिया है, ठीक है, टॉवल यहाँ मौजूद हैं, जानवाज यहाँ मौजूद है, बेडशीट यहाँ मौजूद है, सारी की सारी पिलो यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको भी बताऊं कि अगर ये मतलब मुनासिब जो है आपके ब्लैंकेट आपको 20 रियाल में मिल जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, ये आपको 39 रियाल में मिल जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी और बेहतर है मतलब थोड़ा सा मोटा है तो ये 35 रियाल में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसी के बिल्कुल जो सामने एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना चीज़ है जो कि हम बड़ी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये है यहाँ पे कारपेट। और कारपेट बेसिकली यहाँ पे हम बाहर बैठने के लिए और अपनी जो है जहाँ पे हमारी बाहर बारबेक्यू वगैरह होती है वहाँ पे बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ओनली 69 रियाल, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा और जैसे कि लिखा हुआ है 3.5 3x2, ठीक है, और ये इससे छोटा वाला है ये 25 रियाल का है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा वाला है, क्वालिटी अच्छी तो ये 79 रियाल का है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जानवाजें मौजूद हैं, ठीक है, जानवाजें यहाँ पे ओनली 10 रियाल की मौजूद है, अच्छी क्वालिटी जानवाजों की। अगर मैं आपको दिखाऊँ आइल के सामने इन्होंने ये बूथ छोटे छोटे लगाए हुए हैं, जैसे कि ये ओरियो का बूथ यहाँ पर लगा हुआ है, ये ओरियो का बिस्किट का पैकेट यहाँ पे आपको 9 रियाल मतलब 9.95 का मिल जाएगा। सऊदी मिल्क का बूथ लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको 66.95 में मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा कार्टन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, सबसे खतरनाक एरिया है यहाँ का, यहाँ पे अगर आपके बच्चे आ जाएं तो फिर आपकी जेब खाली हो जाती है, ठीक है, ये है आपका टॉय एरिया, ठीक है, और ये बच्चे की ऑटोमेटिक कार्स मोटरसाइकिल्स यहाँ सारी की सारी मौजूद हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे प्राइस के अंदर होपफुली यहाँ होंगी, क्योंकि देखें अगर मैं इसकी छोटी कार की बात करूँ तो ये सिर्फ 35 साल की लगी हुई है, इट वॉज बिफोर 39, स्पीकर भी मौजूद हैं, जो बच्चे हमारे साइकिल के बड़े शौकीन हैं यहाँ पर आके अपनी साइकिल देख सकते हैं। इसी के साथ सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट एरिया है वो है यहाँ पे स्टेशनरी का, बच्चों की स्टेशनरी यहाँ सारी की सारी मौजूद है, आप देख सकते हैं बुक्स यहाँ सारी मौजूद हैं, ए फोर पेपर, पेंसिल्स, पेंस, मार्कर्स, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और इसके बिल्कुल ही साथ ही यहाँ पे बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं वो सारे मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्राइस दिखाऊँ, ये बैग यहाँ पे 39 रियाल का है, ये बैग यहाँ पे 39 रियाल का है, क्योंकि तो बच्चे बड़े शौक से ये लेते हैं, तो ये सारे बैग्स लगे हुए हैं और ये सारी की सारी स्टेशनरी लगी हुई है। बच्चों की स्टडी टेबल भी मौजूद है, क्योंकि सिर्फ ओनली 79, इट वॉज बिफोर 129 एंड नाउ इज 79। अच्छा, इन सारे एरियों के बाद यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन आया है जो मेरे लिए बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एरिया, यहाँ पे मोबाइल्स, लैपटॉप, एसेसरीज सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले आपको लैपटॉप दिखाते हैं, यहाँ पे लैपटॉप भी यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे यहाँ लैपटॉप मौजूद हैं, और इसी की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे टैबलेट सारे मौजूद हैं, ठीक है, ये टैबलेट का एरिया है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे टैबलेट्स हैं, इवन के सारे यहाँ पे मोबाइल भी मुझे दिख सकते हैं, यहाँ पे सारे मोबाइल भी सारे मौजूद हैं, ठीक है, ये देखेंगे मेन काउंटर पे इवन सारे मोबाइल्स लगे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे सारे माउसेस आपको मिल जाएंगे, कीबोर्ड मिल जाएंगे आपको, TWS मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, एयरफोन्स हैं, एप्पल एक्सेसरीज है, पावर बैंक हैं, कार एक्सेसरीज है, एडाप्टर है, केबल्स हैं, तो आई कैन सी एवरीथिंग ओवर हेयर, जो कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ होती है। अच्छा, इसी के साथ ही यहाँ पे आपको सारी क्रॉकरी मिल जाएगी, यहाँ पे सारी क्रॉकरी मौजूद है, फ्राईपैन आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे सारी आपको प्लेट्स मिल जाएंगी, कप्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये आपको ही मैं दिखा सकूँ, ये वाली प्लेट जो है सिर्फ 5.95 रियाल की है, मतलब नहीं यार 6 रियाल बन जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी प्लेट्स हैं, ये सारे कप यहाँ मौजूद हैं, ग्लास हैं,
और कुकर हैं और ये स्टील के बर्तन भी यहाँ मौजूद हैं। ये 4 रियाल की आपको जो है ये एक स्टील की प्लेट मिल जाएगी। आप अभी मैं बुक इनके सेंटर के एरिया में जा रहा हूँ और सेंटर की आइट्स में दिखाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो यू इनके पास मसाला जात क्या क्या हैं और हमारे जो देसी लोग हैं वो यहाँ पे आए और अपने इस तरफ इंजॉय कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो पहली आइल मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सारी जो है शुगर यहाँ सारी मौजूद है, ब्राउन शुगर यहाँ मौजूद है और नॉर्मल शुगर यहाँ मौजूद है, दूध यहाँ मौजूद है, ठीक है, कॉफ़ी स्टफ यहाँ मौजूद है, चाय की पत्ती यहाँ सारी की सारी मौजूद है और हम जो सारे यहाँ पे यूज़ करते हैं ये हम अल खबूस्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि बहुत कड़क वाली चाय होती है और इसका पैकेट यहाँ पे 19 रियाल का मिल रहा है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे चाय की पत्तियाँ, कॉफ़ी और इवन के सारे दूध यहाँ मौजूद हैं जो हम पाउडर वाले इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये वाली आयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम देसी लोग हैं वो हमारे लिए ये आयल बड़ी अहमियत की हामिल है और हमारे दिल के बहुत करीब है। यह है मसाला जात की आयल, लेकिन ये जो आयल है यहाँ पे सारे आपको मसाले मिल जाएंगे, ठीक है, और ये सारे आपको पैकेट छोटे छोटे 5-5 रियाल के मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये टर्मेरिक पाउडर है, ये आपको 5 रियाल का मिल जाएगा, ठीक है, और ये किसी भी लाल मिर्च है ये आपको 5 रियाल की मिल जाएगी और इवन के सारे इंडियन मसाला जात और सारे पाकिस्तानी मसाले आप यहाँ मिल सकते हैं। शान की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, सीख कबाब हैं, कोरमा है, चिकन टिक्का है, बिरयानी है, सारे यहाँ मसाले मिलते हैं। नेशनल की यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सारे नेशनल के सारे मसाले मौजूद हैं, फिश फ्राई है, पुलाव बिरयानी है, बिरयानी है, तो महरान के भी मसाले यहाँ मौजूद हैं। तो बहुत सारे मसाले यहाँ आपको मिल जाएंगे और इट विल बी गुड फॉर आवर देसी फैमिलीज। अच्छा, प्राइस भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शाम का यहाँ पे सीख कबाब का मसाला तकरीबन 6 रियाल का है, 5.95 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और कोरमा यहाँ पे 5 रियाल का है, चिकन टिक्का मसाला यहाँ पे 5 रियाल का है और शान बिरयानी यहाँ पे 6 रियाल का है, 5.95। तो ऐसे यहाँ पे प्राइसिंग है। सर मैं अभी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइल में लेके जाने वाला हूँ और ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये है ऑयल की आइल। ये सारा ऑयल यहाँ सारे का सारा मौजूद है, क्योंकि ये जो 1.5 लीटर की जो ऑयल की बोतल है ये 9.95 की है, इट वाज बिफोर 19.95 क्योंकि अब तकरीबन 9-10 रियाल की लगी हुई है। यहाँ पे 3 लीटर की ये वाली ऑयल की जो बोतल है ये वाली, तो यहाँ पे 23.95 के लीजिए। ओलिव ऑयल भी सारा मौजूद है, ये सारा ओलिव ऑयल है, ये जो आपके सामने देख रहे हैं ओलिव ऑयल 11.95 का है और ये है 500 ml की बोतल। ऑयल ऑयल की आयल के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको राइस का स्टफ मिल जाएगा, सारा चावल आपको मिल जाएगा, ठीक है, और तकरीबन मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इनके पास सारे चावल मौजूद हैं जो हर एक रियाद के बड़े मॉल में होते हैं। अच्छा, मोस्टली हमारे जो इंडियंस भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये प्राइड ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्राइड ऑफ इंडिया भी बहुत क्वालिटी वाला चावल है जो हम खुद भी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो यहाँ पे 38.95 का लगा हुआ है 5 kg वाला, ठीक है, ये 5 kg वाला है और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे लगा हुआ है, फ़ख्र पाकिस्तान है यहाँ पे और फ़ख्र पाकिस्तान के यहाँ पे रेट हैं 39.95, ये भी 5 किलो वाला पैकेट। यहाँ पे आपको सारे चावल के, राइस के, सबके यहाँ पे ब्रांड मिल जाएंगे। ये जो आयल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको सारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है यहाँ पे आपके सब मिल जाएगी, इवन कि यहाँ पे मूसी वगैरह भी रखी हुई है और सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं आपको यहाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल सामने जो एरिया है ये यहाँ पे फ्रूट्स का एरिया है, जैसे कि सेब आप मेरे सामने देख सकते हैं, सेब 4 किस्म का यहाँ रखा हुआ है और ये वाली जो क्वालिटी है सेब की 10 रियाल की, नियर 11 रियाल और ये 8 रियाल मतलब 9 रियाल की है। तो ऐसे यहाँ पे फ्रूट्स है माशाल्लाह, फ्रूट के बिल्कुल ही साथ ही यहाँ पे इन्होंने सब्जी का एरिया लगाया हुआ है, बैगन यहाँ दिख जाएंगे आपको, गाजर है, खीरा है, नींबू है, तो सारी यहाँ पे सब्जी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। लेमन के यहाँ पे प्राइस नियर 6 रियाल के हैं पर केजी और टमाटर यहाँ सारे मौजूद हैं, टमाटर के यहाँ पे आपको प्राइस नियर 6 रियाल के हैं यहाँ पे 5.95। सब्जी और फ्रूट के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे उन्होंने फ्रोजन का एक सेक्शन अलग किया हुआ बिल्कुल, और बिल्कुल कॉर्नर पे ये
सेक्शन है जो कि मैं देख सकता हूँ आपके सामने। लेकिन ये है सारा फोटो आइटम का सेक्शन माशाल्लाह। यहाँ पे आपको नगेट्स और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपको सारे फोटो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो अलहमदिल्ला पे सारी मिल जाएगी, जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। तो ये फोटो आइटम का एरिया। यहाँ पे रेट्स आपको बताऊँ मैं अगर, तो जैसे कि ये एक चिकन यहाँ पे है तकरीबन कोई 900 ग्राम की, ये आपको मिल जाएगी नियर 15 रियाल की। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के रेट हैं यहाँ पे, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट रेट। तो इस तरह से आपका दूध यहाँ मिल जाएगा आपको, सारे जूसेस यहाँ मिल जाएंगे आपको। सारी चीज़ों के बाद जो है यहाँ पे बिल्कुल एंड में इन्होंने मीट एरिया रखा हुआ है जो मैं सामने देख सकता हूँ। ये है सारा इंटरमीडियर। यहाँ पे आपको बीफ भी मिल जाएगा, चिकन तो आपको मैं दिखाई इसमें वहाँ पे लेके आप इसकी स्किन वहाँ पे उतरवा लें। अच्छा ये एरिया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे खाने पीने की आइटम आपको सारे मिल जाएंगे, हॉट फूड के नाम से यहाँ पे मौजूद है। चिकन फ्राइड राइस यहाँ मौजूद हैं, वेजिटेबल राइस मौजूद हैं, चिली राइस यहाँ मौजूद हैं, चिकन नूडल्स यहाँ मौजूद हैं, बटर चिकन यहाँ मौजूद है, कढ़ाई चिकन यहाँ मौजूद है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ़िश बिरयानी भी मौजूद है, ठीक है, और चिकन बिरयानी भी मौजूद है। ये बिरयानी की कंडीशन है। अच्छा हॉट फूड के बाद यहाँ पे उसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पे जंक्शन एरिया है जहाँ पे आप सुकून से अपना खाना वाना बैठ के खा सकते हैं, जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा सा आपको दिखा दें। माशाल्लाह यहाँ से फूड जंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये वहाँ तक मौजूद है और अंदर तकरीबन अच्छा खासा एरिया है बैठ के खाने का। ये है इनका जो है फूड जंक्शन, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। और मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो है ये फैमिली सेक्शन है और ये है सिंगल। तो भाई ये थी पूरी की पूरी वीडियो अलवाफा की, ठीक है। तो जो हमने पूरा पूरा आपको एक एक्सप्लोर कराया अलवाफा हाइपर का, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं कह सकूँ आपको कि भाई ये चीज़ यहाँ मौजूद, बल्कि मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारी यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं जो कि अदर्स बड़े मॉल से वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी आपको, एवरीथिंग यू कैन सी हेयर, जो कि आपको नेस्टो के अंदर, पांडा के अंदर, लूलू के अंदर, और प्राइस समथिंग के सबके सिमिलर होते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ों के प्राइस मुझे बहुत अच्छे लगे जो कि बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, मैं दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।